नमस्कार दोस्तों, मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ आज आरओ का जो ओरिजिनल अल्कलाइन टेस्टिंग होता है कैसे है, क्योंकि अल्कलाइन टेस्टिंग में ज़्यादातर लोग मार्केट में धोखाधड़ी करते हैं, अल्कलाइन मिनरल कार्टेज बोल करके मार्केट में बेच देते हैं। तो आपके सामने मैं एलेक्सा का एक आरओ प्यूरीफायर है जिसमें अल्कलाइन लगा हुआ है, वो कैसे अल्कलाइन काम करता है, अल्कलाइन की टेस्टिंग कैसे होती है आप देख सकते हैं। हमारे पास एक नल भी लगा हुआ है और ये दूसरा जो मार्केट से लाया हुआ पानी है, तो ये तीनों की टेस्टिंग करेंगे और पाएंगे कि कैसे अल्कलाइन टेस्टिंग की जाती है। तो हमारे पास अल्कलाइन को टेस्ट करने के लिए ये मिनरल ड्रॉप आता है, ये अल्कलाइन टेस्टर पीएच टेस्टर ड्रॉप है। इसको कैसे चेक करते हैं, अगर आपका पानी रेड या इस तरह से ग्रीन या हल्का ग्रीन डीप ग्रीन होता है या लास्ट में ब्लू होता है डीप ब्लू, तो अल्कलाइन है। अगर ग्रीन होगा तो नेचुरल है, और अगर रेड या येलो टाइप में आता तो एसिडिक है। ऐसा पानी नहीं पीना चाहिए जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। तो आज हम करते हैं इसकी टेस्टिंग कैसे होती है। तो मशीन को खोलेंगे, फिर मशीन में दिखाएंगे क्या क्या सब चीज़ें हैं। तो यहाँ हमने मशीन को खोल लिया है, स्क्रू हमने पहले से ढीला करके रखा था। तो इसमें देख सकते हैं सबसे पहले ये आरओ मेम्ब्रेन लगा हुआ है, दूसरा कार्बन फिल्टर है, तीसरा अल्कलाइन फिल्टर आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, इसमें अल्कलाइन भी है और ये यूवी फिल्टर है, और नीचे मोटर रहता है। और इसका जो इनलेट हम क्या करते हैं बाहर कर देते हैं, जिसे अभी हमने क्योंकि मशीन नहीं है हमने नल नहीं लगाया, डायरेक्ट इसे निकाल करके दिखाएंगे। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा पहले चालू कर लेते हैं। चालू करने के बाद ये मशीन स्टार्ट हो जाता है और उसमें 10 मिनट 5 मिनट लगेगा, तब तक हम नल का पानी टेस्ट करेंगे कि नल के पानी को हम इस ड्रॉप से टेस्ट कर लेंगे कि नल में जो पानी डायरेक्ट आ रहा है फ्लो करके वो किस प्रकार का होता है। उसमें ज़्यादा नहीं लेना है, मात्र एक ग्लास में या कप में 10 ml वाटर लेंगे और चेक करेंगे कि ये 10 ml वाटर कैसा है। आप इसमें देख सकते हैं हम डाल रहे हैं और इसका जो कलर आ रहा है वो हम इसके साथ मिलाएंगे कि किस प्रकार का कलर बना है। तो ब्लू तो नहीं है, आप देखिए स्क्रीन पे, और ये ग्रीन भी नहीं है डीप ग्रीन, ये हल्का ग्रीन है, मतलब ये एसिडिक जैसा ही पानी है, ऐसा पानी नहीं पीना चाहिए। इसके बाद दोस्तों हम जो मार्केट से जो लाया हुआ पानी है उसे हमने ग्लास को अच्छी तरह से धो दिया है, और मार्केट से लाया हुआ पानी जो जार आप ख़रीदते हैं ये मार्केट का पानी है, इसे भी 10 ml हम लोग लेते हैं और इसको भी चेक करते हैं ये किस प्रकार का है, वो आप देख सकते हैं। और ये तो उससे भी हल्का है, ये तो पीलापन लिए बन गया, आप देख सकते हैं पूरा पीलापन इसमें है। आप इसको मिलाएंगे, ये देखिए, तो ऐसा पानी और ख़राब है, वो तो थोड़ा ग्रीन भी था, मतलब ये जो मार्केट में जो पानी आ रहा है ये पानी ठीक नहीं है। अब बचता है हमारा ये आरओ का जो इनलेट से आउटर से जो पानी निकल रहा है, यही टैंक में जमा होता है, तो इस पानी को हम चेक करेंगे। तो इस पानी को अभी लेने जा रहे हैं हम, दस एम एल काफ़ी है। हाँ, अब इसको बूंद इसमें डालने की तैयारी कर रहे हैं। तो ये फुल्ली आप देख सकते हैं, इसका जो कलर आया है ये ब्लू कलर आया है, तो आप साफ फर्क देख सकते हैं। ये हमने जो अभी अभी किया ये टोटली अल्कलाइन है, ये स्वास्थ्य की दृष्टि से हेल्थ के लिए ये बढ़िया है। तो आप एलेक्सा वाटर प्यूरीफायर जो अल्कलाइन वाला है वो आप मंगवा सकते हैं, ये आपके घर के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। तो दोस्तों हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप ऑर्डर भी कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।